हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल और आज के इस वीडियो में लेके आए हैं 7000 रुपए से कम कीमत में मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास ओनर की ओर से आने वाला ओनर 9S और दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास Xiaomi Redmi की ओर से Redmi 9A। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। तो सबसे पहले दोनों मोबाइल का हम प्राइस जान लेते हैं। तो दोनों ही हमारे पास है 2GB वेरिएंट। ओनर 9S आपको मिलता है 6500 रुपए में और Redmi 9A आपको मिलता है 6799 रुपए में। दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। दोनों मोबाइल के बॉक्स में आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो ये हमने कर दिए हैं दोनों मोबाइल अनबॉक्स, फोन फिलहाल इसे रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर पिन दी गई है और यहाँ पर मिनी बॉक्स के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, IMEI स्टिकर्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ ही हमें मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। इसे हम एक बार फोन पे लगा के देख लेते हैं कि फोन हमें कैसा देखने को मिलता है। तो ये हमने कवर चढ़ा दिया है तो फोन का काफी अच्छा लुक हमें देखने को मिल जाता है कवर चढ़ाने के बाद भी। अंदर देखें तो एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है, काफी बड़ा साइज है चार्जर का और ये मिलता है हमें 10 वॉट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो अच्छी बात है, आपको 6500 रुपए में 10 वॉट का चार्जर मोबाइल के साथ दिया गया है। यूएसबी केबल की बात करें तो आपको इसमें माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है। और अब नजर डालते हैं रेडमी 9A पर। सबसे ऊपर हमें मिलता है स्मार्टफोन, फिलहाल इसे भी रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो इसमें भी हमें एक मिनी बॉक्स दिया गया है जहां पर हमें मिल जाता है एक सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और मोबाइल कवर आपको इसके साथ नहीं दिया गया है। अंदर एक चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल हमें दी गई है। तो इसमें भी हमें 10 वॉट का चार्जर मिल जाता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ और यूएसबी केबल आपको इसमें भी माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है, यानी कि रेडमी 9A में आपको टाइप सी यूएसबी केबल नहीं मिलती है। ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। Redmi 9A साइज में काफी बड़ा है Honor 9S से। तो Honor 9S में हमें स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है, Redmi 9A में आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक चीज बताता हूँ कि जब भी आप मोबाइल परचेज करो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लें, चाहे आपको मोबाइल में कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन क्यों ना दिया गया हो, लेकिन स्क्रैचेस आने के काफी चांस बने रहते हैं। और ये है दोनों मोबाइल के बैक साइड का लुक। दोनों मोबाइल में आपको कर्वी बैक पैनल दिए गए हैं और दोनों ही मोबाइल में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। Honor 9S में आपको पूरी मैट फिनिश दी गई है, Redmi 9A में आपको बैक साइड में थोड़े बहुत रिजेस मिलते हैं जिन पर स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। कैमरा सेटअप देखें तो दोनों मोबाइल का कैमरा सेटअप कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। Honor 9S में हमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है और Redmi 9A में हमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट मिलता है। फ्रंट में आपको दोनों ही मोबाइल में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड पर नजर डालें तो पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड दोनों मोबाइल में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे जहां पर आप दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। मोबाइल के नीचे की साइड प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है। Redmi 9A में आपको मीडिया स्पीकर यहां पर देखने को मिल जाता है, जबकि Honor 9S में आपको मीडिया स्पीकर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस दोनों की कर दी है फुल। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यूजर इंटरफेस देखें तो होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर आपको सारी एप्स देखने को मिल जाती है। Redmi 9A में आपको कुछ ऐप प्री इंस्टॉल दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। Honor 9S में आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं दिया गया है, इसमें आपको हुआई ऐप गैलरी मिलती है जिसमें आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया है वाईफाई कनेक्ट करके और हमें इसमें ID बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसे सीधा ओपन करो और यहाँ पर आपको एप्स देखने को मिलेंगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की। तो Honor 9S में आपको 5.45 इंच की HD प्लस TFT LCD डिस्प्ले दी गई है और Redmi 9A में आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है। एस्पेक्ट रेशो 18:9 का मिलता है आपको Honor में, Redmi में मिलता है 20:9 का। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1440 पिक्सल का आपको Honor 9S में मिलता है और Redmi 9A में आपको मिलता है 720x1600 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी 295 PPI की Honor में और 269 PPI की मिलती है आपको Redmi 9A में।
चलिए नजर डालते हैं दोनों मोबाइल के डायमेंशन पर। तो हाइट की बात करते हैं तो Honor 9S की हाइट है 146.5 mm, Redmi 9A की हाइट है 164.9 mm। थिकनेस की बात करें तो 8.35 mm की थिकनेस के साथ Honor 9S आता है और 9 mm की थिकनेस के साथ आता है Redmi 9A। वहीं वेट की बात की जाए तो 144 ग्राम का है Honor 9S और Redmi 9A है 194 ग्राम का, क्योंकि आपको Honor 9S में ओनली 3020 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Redmi 9A में आपको 5000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है। सेटिंग पर नजर डालते हैं तो Honor 9S की हम सेटिंग में चले जाते हैं। स्क्रॉल करने पर सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, OS आपको इसमें मैजिक का मिलता है, डिवाइस नेम दिया गया है, यहाँ पर आपको मैजिक UI वर्जन 3.1.0 का दिया गया है, एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें लेटेस्ट 10Q मिल जाता है। बाकी इसमें आपको 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट है MediaTek Helio P22 का, 2GB रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से यूज करने के लिए आपको 23GB अवेलेबल है और इसमें आप 512GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 1 मई 2020 का इसमें मिलता है। वहीं नजर डालते हैं Redmi 9A की सेटिंग में, तो यहाँ पर हम सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे ऊपर आपको अबाउट फोन सेक्शन मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो MIUI वर्जन है वो लेटेस्ट मिल जाता है, जो कि है 12.0.2 का, और यहाँ का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो रखा है। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें लेटेस्ट 10 मिल जाता है। बाकी इसमें ऑल स्पेसिफिकेशन में हम चले जाते हैं, 2GB रैम है, 32GB का आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिलता है, इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512GB तक बढ़ा सकते हैं, और इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है 2GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट आपको मिलता है MediaTek Helio G25 का। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने कर दिया है ऑन, तो कैमरा क्वालिटी आपको दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा से काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। Redmi 9A के कैमरा को हम जूम करें तो पूरा 10x तक आप इससे जूम कर सकते हैं, वहीं Honor 9S से आप कर सकते हैं पूरा 4x तक जूम, तो जूम क्लैरिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन से। और ये है दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी, तो सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा आपको दोनों स्मार्टफोन का मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे दोनों स्मार्टफोन। 6,500 रुपये खर्च करने पे आपको Honor 9S मिलता है, वहीं 300 रुपये और खर्च करें तो आपको Redmi 9A मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले साइज और बैटरी के मामले में Redmi 9A काफ़ी आगे है, जबकि Honor 9S में आपको छोटी डिस्प्ले मिलती है और 3020 mAh की बैटरी दी गई है। बाकी पसंद अपनी अपनी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।